بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وعلي وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وعلي وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وعلي وسلم بسم الله الرحمن الرحيم वरि वर्कू अलहमदुल्ल रबीमिन अल्लाह सुबहान तै का बेहद करम बेहद फजल बेहद शुक्र. जिन्होंने मौका और तफ़ीक ता फरमाई ज़िंदगी की बेशुमार नेमतें ता फरमायी अल्लाह सुबहान के फजल करम से बात बनी हुई है मालिक सब की बात हमेशा बनाए रखें

इर्शाद फरमाते हैं कि कल क्यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब मेरा वो होगा, मेरा वो गुलाम होगा जिसने इस दुनिया में रहकर मुझ पर ज़्यादा ज़्यादा से जाएदे सलाम पड़ा होगा हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि वह अल्लाह के महबूब का कुर्ब हासिल करें तो अल्लाह के महबूब सल अल्लाह तलाम ने आसान तरीन रास्ता बता दिया कि जो ज्यादा द्रुष पड़ेगा वही मेरे करीब होगा अल्लाह के महबूब सल अल्लाह तल्लम की वो मुबारक हस्ती है जिनसे इंसान तो इंसान जिस चीज को भी प्यार हो गया इश्क हो गया फिर वो आपसे जुदा होना गवारा नहीं करता अगर जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह फरमाते जब मस्जिद नबी शरीफ कच्ची थी खजूरों की लकड़ियों के छत थी तो हजू सल जब इस्लाम का शुरू के दिन थे शुरुआत थी तो कच्ची मस्जिद थी उस वक्त तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक सूखी लकड़ी के साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे फिर कुछ अरसा बाद जब मिंबर तैयार किया गया हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बैठने के लिए एक मिंबर तैयार किया गया तो वो जो सूखी लकड़ी थी जिसके साथ अल्लाह के महबूब तआला अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे जब मेंबर बन गया तो अब वो लकड़ी अल्लाह के महबूब वसल्लम के जुदाई में रोने लगी कि अब अल्लाह के महबूब तआला अलैहि वसल्लम मेरे साथ टेक नहीं लगाएंगे और उसके रोने की आवाज़ ऐसी थी कि उसकी आवाज़ सुनकर तमाम हाजरीन भी रोने लगे ताला अलैहि तजमाइन फरमाते हैं कि अगर सल्लल्लाहु ताला अज़ूर वाले सल्लम इस पर दस्ते रहमत न रखते तो वो इस कदर शिद्दत से रो रही थी गम में रो रही थी कि हमारे दिल फट जाते अजरत बुरदा फरमाती हैं खुश को बलकते हुए देकर उससे फरमाया अगर तू चाहे तो बलोक में लुटा दू जिसमे शाह निकल आये और मुकम्बल दरख्त बन जाये और तेरे फल फूल आ जाये और अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत में लगा दू जहाँ उलिया तेरे फल खाये फिर आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसकी जानिब कहाँ लगाए क्या जवाब देता है तने ने अर्ज की मुझे जन्नत में लगा दीजिए ताकि औलिया अल्लाह मेरे फल खाएं और पुराना होने से बच जाऊं आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा मैंने तुझे जन्नत में लगा दिया तूने फानी घर छोड़कर बाकी रहने वाले घर को पसंद किया अब एक लकड़ी जिससे अल्लाह के महबूब सल अल्लाह तलाम की, की नस्बत हुई तो अल्लाह के महबूब की याद में जुदाई में रोना शुरू होगी और अल्लाह के महबूब से नवाज रहेगी अगर एक आपका गुलाम आपको याद करे मोहब्बत के साथ चाहत के साथ तो उसे अल्लाह के महबूब कितना नवाजेंगे मेलाद शरीफ की कि जिस घर में भी मिलाद शरीफ की महफल सजाई जाती है पूरा साल उसके रिज्क में बरकतें रख दी जाती है उसके घरों में रहमतों का नजुल होता है आफातो बलियाद उसके घर से दूर हो जाती है तो कोशिश करें अपने घरों में रोजाना ही मिलाद शरीफ की महफल से जाए अपने बच्चों के साथ घर वालों के साथ बैठे अपने बच्चों से नाते सुने उन्हें सुनाए अल्लाह के महबूब सलम की फिलादत बसादत के वाकत तो उन्हें बताएं आपकी सूरत सीरत के बारे में बताए यही मिलाद है मिलाद क्या है अल्लाह के महबूब का जिक्र करना तस्करा करना आपकी शान बयान करना इसी मिलाद कहते हैं अपने अपने घरों में जरूर मिलाद शरीफ सजाए और जिस घर में भी मिलाद सजाया जाता है अल्लाह रबुल रबुलमीन के उस घर में रहमतों, बरकतों का नज्जुल होता है थरूद शरीफ की महाफर से जाए नाद शरीफ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत कर और सबसे बढ़कर ये सब मुस्तमल फर्ज नमाज है जो अल्लाह के महबूब सल के आंखों की ठंडक है उसे अपनाए अल्लाह रब्बुल ला रबूलामीन हम सबको अमल के तोफे का फरमाए अपना अपने जाने वालों को और अपने आस पास रहने वालों का खास ख्याल रखिए। असल वरहमल व